हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिनको भी 2,000 रुपये की राशि मिलती थी, और वो अपना स्टेटस जो आप वेबसाइट पे या पीएम किसान ऐप पे चेक करते थे, वहाँ से आप चेक नहीं कर पाते होंगे, आपको दिक्कत हो रही होगी। और यहाँ पे सर्वर आप दिखा हुआ रहा होगा नोट जिन, और ये बताता हूँ कि आपको ये कैसे काम नहीं करा रही है। वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे जो बेनिफिशरी का स्टेटस जो चेक करने का ऑप्शन था, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, इसे अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप यहाँ से पहले आप वेबसाइट ही चेक कर सकते थे, और ये अब जो ऐप था पीएम किसान का, वो भी ऐप को अपडेट कर दिया गया है। वहाँ पे भी वो नोट वर्क दिखा हुआ आ रहा है, और वहाँ भी सही से काम नहीं कर रहा। तो मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, और बताऊँगा कि आपको कैसे आपको अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं पीएम किसान, जो आपको 2,000 रुपये राशि मिलते हैं हर महीने, वो आप कैसे स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको जो पुराना वर्जन ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। आप सो आप बोलिएगा कि हम ये ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो प्ले स्टोर पर नहीं, इसे तो अपडेट कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में उस ऐप का लिंक दूंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको गूगल ड्राइव से आपको उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो पहले का ऐप, पहले पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जो मोबाइल में पीएम किसान वाला ऐप है वो आपको डिलीट करना है। जो मैं लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको वो ऐप डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे बताऊंगा कि आपको वहाँ से आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अब चलता हूँ मैं उस ऐप पे। ऐप पे जैसे आप ओपन कीजिएगा, तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि या देयर इज़ द नेवर वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन अवेलेबल, क्लिक ओके टू अपग्रेड। तो ये आपको बोलेगा अपडेट करने को, तो आपको अगर ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका ये ऐप फिर अपडेट हो जाएगा, और ये फिर आपको वर्क नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको रिमाइंडर लेटर आपको इस पर क्लिक करना, ताकि हमारा ये पुराना वर्जन ही रहे और सही से आपका वर्क कर सके। तो रिमाइंडर टू लेटर पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जो नया नया अपडेट होकर ऐप आया है, उसमें आपको ये ऑप्शन कुछ भी ओपन होकर नहीं आएगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, कहेगा डाटा वो सर्वर डाउन है, ये वो बहुत ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको फिर अगर आपको स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आए ना आए, तो आपको वेरीफेसरी स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपना आधार कार्ड का, अकाउंट नंबर का, मोबाइल नंबर से चेक करने का। तो मैं अपने आधार कार्ड से चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं आधार नंबर पर सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट द डिटेल्स आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाम मिल जाएगा, स्टेट मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, एंड विलेज, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड डेट, यहाँ PFMSE स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं को कितनी इंस्टॉलमेंट मिली है, वो आपको स्टेटस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस, जो पीएम किसान का ऐप है वो वर्क नहीं कर रहा, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करिए, और जो पुराना जो आपने आपके मोबाइल में ऐप है उसे अनइंस्टॉल करके, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे जैसे बताया वैसे आप इसे यूज करके आप पीएम किसान का जो भी पैसा आता है 2,000 रुपये मंथ के हिसाब से, वो आप इस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।